उसका रिकॉर्ड भी अपने दौरा है, HLDB का रिकॉर्ड है 19 किलो में, इसकी माँ पास हुई थी खर के ब्यांत में, खर के ब्यांत में। फिर दूसरे ब्यांत में वो 23 किलो में पंजाब के ले गए थे उन्हें, संगरूर के, संगरूर के बिल्लू भाई ले गया था पंजाब का। और अंदाजा 20 लीटर से ऊपर जानी चाहिए, दे देगी 20, बिल्कुल दे देगी आराम। मुकेश कहने में करने नहीं, नहीं भाई साहब, कुछ भाई मेरी बात सुने, एक हफ्ता रुक जाओ, एक हफ्ता 20 किलो तोल के दे दूंगा, तोल के दे देगा, तोल के दे दूंगा एक हफ्ता 20 किलो दूध, ठीक है बा। हाँ भाई, इसका काम अर्थारा काम न्यारा के बता या योर नंबर सा न्यारा ही नहीं तो बता दे ना, फिर तू कहता नहीं आता दियो, तेरा घर पहुंचा भाई, तड़के 3 बजे का खड़ा हूं मैं, अरे मैं भी तेरे फोन, हां अरे मैंने खाया तड़के 3 बजे, देख यू सो है और तू तू ठा भाई ने, अरे भाई क्यों प्यार हो प्यार। सभी भाइयों को रमेश जवाना की तरफ से नमस्कार। आज का जो अपन वीडियो कवर करया है गांव बड़ा जिला करनाल से, आज फिर काफी शानदार दो जोटी आपको वीडियो में दिखाएंगे। जितने भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पास में लगे घंटी का बटन दबा दें, ताकि अपन जो भी वीडियो डालना उसका नोटिफिकेशन सभी भाइयों को मिलता रहे। साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले समय में भी अच्छे अच्छे पशु सभी भाइयों को दिखाते रहें। डिमांड रहती है भाइयों की, अच्छे ही पशु वीडियो में आते रहें, और साथ के साथ जो रेट है भाई से वो भी पूछेंगे, क्योंकि कुछ भाइयों की डिमांड रहती है भाई साथ के साथ ही रेट बताएं वीडियो के अंदर। तो आज काफी शानदार पशुधन आज फिर देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो हरियाणा में कहीं भी चले जाओ वहीं पे आपको अच्छा पशुधन देखने के लिए मिलता है अच्छे दूध का, और बाहर के भाई भी हरियाणा से ही पशु खरीद कर राजी होते हैं, क्योंकि अच्छे दूध की जोटियां यहाँ से सभी भाइयों को मिलती रहती है। बात करेंगे भाई के साथ, पूरी डिटेल में बात लेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम रमेश भाई। राम राम भाई, और ठीक है? हाँ ठीक है रमेश भाई। और कैसा चल रहा है काम कुम भाई? ठीक है रमेश भाई, बढ़िया गति। ठीक है, फिर आज कहाँ पे चले गए थे आप? तो बस भाई साहब पानी पत्तक गा था, कुछ काम था जरूरी। अच्छा जी, इसलिए माफी चाहूंगा लेट हो गए। आप ये कहते नहीं कंधे में ससुराल में जा रहे, पानी पत्तक का क्यों नाम थोड़ा काम था रमेश भाई? नहीं काम तो मेरे भाई ने बताया दिया, आ गया था भाई, इस भाई ने बताया मेरे दोनों का, यू ससुराल में जा रहे था। हाँ ठीक है, बात दाढ़ी गुंडर भी नहीं आ रही आतुश गए, चिकना हो रहा सारा। अपनी पहले नंबर पर जोटी भाई साहब डिटेल दे दे, इसकी खोल ले एक बार, खोल के ले आए मेरी साइड में। तो पहले नंबर पर जोटी भाई साहब डिटेल दे। रमेश भाई पहले ब्यांत की है? पहले ब्यांत की भाई, दो दांत है, दो दांत है, ठीक है, प्योर दो दांत है, ठीक है। और पौने 3 साल की इसकी एज हुई है, पौने 3 साल की, 12-10 नहीं इसके पूरे 3 साल की हो जाएगी, ठीक है बात। हाँ तो कितने दिन हो गए ना बच्चा दे रही है इन्हें? यार भाई कल श्याम ने खींचते खाली करी, हाँ तीसरा दिन है, तीसरा दिन है। हाँ कल श्याम ने खाली करी। मुकेश भाई वही देना बस ना, बिल्कुल ओरिजिनल, कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, ना बिल्कुल 1% नहीं भाई, झूठ का काम नहीं, ठीक है बात। हाँ देखे बिल्कुल छोटे सींग में 3 दिन की ब्याई। हाँ 3 दिन की होगी भाई, 3 से 4 दिन की ब्याई। बच्चा क्या है साथ में? मेल काफ है रमेश भाई, नीचे मेल काफ है। तो आपने खाली कर दे दूध कितना भाई? भाई रमेश दूध 7-8 किलो तो शुरू हुई है, 7-8 किलो से शुरू हुई है, ठीक है बात। बार मार के दिखा देंगे, ठीक है बात, ठीक है ना। अरे अगले तो दोनों थन बच्चे तो पिलावांगे कति टोपा टोपा, और पिछले गैप तक काट के दिखाऊंगा। नहीं ठीक है बात, ठीक है नहीं बिल्कुल। हाँ तो लंबा जाने दे एक बार, दो दांत जोटी देखें एक बार। तो काफी बढ़िया नीचे से बनके आई है, टाइट एडर में है, जैसे भाई ने बताया भाई 7-8 किलो दूध से तैयार हुई। तो एक बार दांत जरूर दिखा दें भाई साहब, देख रमेश चार दांत है भाई, चार हो गए, दो तोड़ गए थे भाई, दो अगले तोड़ गए, चार दांत। हाँ। तो काफी बढ़िया बच्चा है नीचे, कोई टिक्का का भाई साहब? भाई HLDB का है, HLDB का। हाँ। तो कोई व्हाइट निशानी फेस के ऊपर, थोड़ा सा आगे लेकर आए, बिल्कुल फुल हाइट की, क्योंकि पहले ब्यांत में है बहुत ही ज्यादा हाइट होती है हमेशा। एक तो इसकी 5'3" की हाइट है, 5'3" की। पित्ता मार दे भाई, पित्ता मार दे भाई साहब, पित्ता मारे 5'3" की हाइट। तो अडर क्वालिटी एक बार देखें, थनों का स्पेस है वो काफी बढ़िया, बिल्कुल मुट्ठी का थन है। पिता मार दे भाई, कोई बात नहीं, तो आराम से खड़ी कर ले, बच्चे के साथ में ले आए, बच्चे के पास ले आए, खड़ी हो जाएगी, ले आए भाई साहब एक बार बच्चे के पास ले आए तो खड़ी हो जाएगी बिल्कुल। तो अब पिता मार भाई, देख रमेश 5 फुट यू है क्या हो रहा है? एक मिनट भाई, एक मिनट, ये देख, एक मिनट, नीचे नीचे दाबो भाई, नीचे दाबी ना, नीचे खड़े पकड़ लेना तो, आइए भाई पकड़ ही नीचे, आजा भाई इन्हें नीचे पकड़ ले, पट्टी दे, पट्टी दे दे,
छोड़ दे भाई साहब, कोई बात नहीं, 5'1" 5'2" की हाइट है। तीन साल की उम्र में इतनी हाइट है, बहुत सीधी कटड़ी कड्ढा है। ठीक है बात ना, ना ना ठीक है बात। इतनी तो काफी शानदार भाई के पास जितने पशु देखने के लिए मिलते हैं, काफी गजब के और एक मेहनत करने वाला है, क्योंकि ऐसी जोटियां ऐसे तैयार नहीं होती। भाई साहब अपने घर की या फिर अपन लेके आए? अपने घर की भाई साहब, अपना घर की है। हाँ लंबा चालन देकर दो। घर की भाई ने जैसे बताया ऐसी कटड़ी है, तो काफी बढ़िया तैयारी भाई ने की। तो कौन से टिक्का की है कुछ पता हो भाई साहब आपने? रमेश अचल टिक्का की है, और इसकी माँ ने ले कहा था, मैं पहले ब्याह था, मैं 19 किलो में इसकी माँ पास हुई थी, खरके में 19 किलो दूध किलो, उसका रिकॉर्ड भी अपने दोहरा है, HLDB का रिकॉर्ड है, 19 किलो में इसकी माँ पास हुई थी खरके ब्यांत में। खरके ब्यांत में दूसरे ब्यांत में वह 23 किलो में पंजाब के ले गए थे उन्हें, संगरूर के, संगरूर के बिल्लू भाई ले गया था पंजाब का, दूसरे ब्यांत में 23 किलो तोल के दूध ले गया था इसकी माँ ने। ठीक है, ब्यांत की रख रखी आपने, कितना में देनी है यार? रमेश इसका एक के रेट है भाई साहब 1,65,000 रुपये। 1,65,000 रुपये रेट है, फिक्स रेट है, फिक्स रेट है पहले ब्यांत की। मौके पे दूध है जितना भी बता दें भाई साहब, 8 किलो तो स्टार्टिंग हुई है, कल शाम ने किस्त खाली करी थी। ठीक है, इसकी धार मार के दिखा दें, अगले दो थन बच्चन खपा देंगे, पिछले काट के दिखा देंगे। ठीक है बात, ठीक है, थोड़ा सा और गमा दें तो पूरी तरह से कवर करा दें, ताकि किसी भाई ने कोई परेशानी ना आवे, कोई भी ये ना बोले भाई इस एंगल से जोटी नहीं दिखाई। तो देखें बिल्कुल नीचे कैमरा करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, पूछा देखें एक बार। तो काफी बढ़िया पुट्ठे की है, हाइट के बारे में कोई सोचने की बात नहीं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हाइट हाइट बहुत ज्यादा है जोटी की। ठीक है, मिनट के दिखा दी, बांधे इसको, दूसरी जोटी खोले। बिल्कुल कच्चिया जोटी जैसे भाई ने बताया। और जो अगले दांत तोड़े हैं वो सभी भाइयों को बता दूं, पूरे नहीं हुए अभी तक, छोटे हैं, पूरे नहीं करे अभी, एक भी नग लगभग तोड़े होंगे। हाँ अभी नग होया, 20-22 दिन हुए हैं जब तोड़े थे। ठीक है बात। हाँ तो अगली जोटी खोलें भाई साहब। तो काफी बढ़िया भाई, सारा का सारा पशुधन। तो देन टेल जी, रमेश भाई दूसरे ब्यांत की है, दूसरे ब्यांत की, आज 12-13 दिन की ब्याई होगी, 12-13 दिन की ब्याई, और मौका पर दूध 17 किलो तैयार है, 17 किलो आज मौके पर तैयार है, किलो में तैयार है, लीटर में किलो में बोलेंगे, लीटर में नहीं, नहीं किलो में तैयार है, किलो में तैयार है। देखें काफी बढ़िया नीचे से भैंस बनी है, तो बिल्कुल टाइट अडर में, चौड़ाई काफी ज्यादा अडर की। तो हाइट में सभी भाइयों को एक बार बताऊंगा, बिल्कुल बीच्ची की हाइट है, ज्यादा ऊंची भैंस नहीं है। कुछ भाई भाई से आके बोलेंगे भाई आपने ये बात नहीं बताई, रमेश नीची भी को नहीं है, हाइट बिचली हाइट है भाई साहब, मैंने ये तो नहीं बोला नीची है, हाँ बिचली हाइट है भाई साहब, ठीक है ना, बीच्ची की हाइट है। तो उस जोटी के मुकाबले नीची पड़ा है क्या भाई साहब? उस जोटी के मुकाबले तो नीची पड़ा है, उसकी ज्यादा हाइट है, उसकी हाइट आगे लेके जाए थोड़ा सा एक बार, तो फिर देखें एक बार। तो चौड़ाई अडर की वो काफी ज्यादा, बिल्कुल मुठिया थन है। तो भाई साहब कितना दूध दे देगी पीक पे जाके? भाई साहब मैं लानी लगी जो टेक तो, ठीक है बात, और अंदाजा 20 लीटर से ऊपर जानी चाहिए, दे देगी 20, बिल्कुल दे देगी आराम से, कहने में करने नहीं, में नहीं भाई साहब कुछ भाई मेरी बात सुने, एक हफ्ता रुक जाओ, एक हफ्ता 20 किलो तोल के दे दूंगा, तोल के दे देगा, तोल के दे दूंगा एक हफ्ता 20 किलो दूध। ठीक है बात, हाँ आज मौका पर 17 किलो दूध तैयार है, बिल्कुल ठीक है बात, कोई 18-19 होगा लेकिन किलो में 17, दो टाइम तीन टाइम किसे भाई आके तोल सके है छोटी में। अब मौके पे कितना भाई साहब? 17 किलो 17 किलो दूध तैयार, किलो के हिसाब से, हाँ हाँ आपने दिखावांगे कैट के दार दिखावांगे, आपने 17 किलो के हिसाब से 17 किलो दूध भैंस के अंदर तैयार है जोटी के अंदर। तो मेरी एक बात रहती है, पता के है कल की है ना, मैं इसका गर्म सरदा बने रहा था, कल दो टिक्के तो डॉक्टर ने कल लाए, ठीक है, और उसमें कल की कम घास खा रही है, क्योंकि दो में बंद रही थी, छोरे ने आई गर्म ठंडा पानी लग गया ना, ठीक है, इस करके कल की कम घास खा रही है जोटी। एक बात और कहूंगा, जो भी भाई अपना डिटेल दे रहे वो हम सभी भाइयों को देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि भाई भी सामने खड़े, मैं भी सामने खड़ा हूँ, किसी भी वीडियो के अंदर आए सोचते यही सोचते हैं भाई आमने सामने होकर बात हो। कुछ भाई ये भी बोलते हैं भाई वैसे वीडियो डाल दे, आप वैसे वीडियो नहीं डाल सकते, जैसे इस भाई के पास आए हैं इसी तरह वीडियो बना के सभी भाइयों को दिखाते हैं। देखें बिल्कुल छोटे से कोई एडवाइस ठीक है निशान नहीं है, ले जाएं लंबा लेके जाएं। तो बिल्कुल दोनों ही जोटी भाई की काफी शानदार है, सबसे गणित है शांति इतनी है, कौन ही ठंडी सील जोटी है जो कर खड़ा करते श्याम तक खड़ी रहो, ठीक है बात, बहुत ठंडी सील जोटी पुट्ठे काफी बढ़िया भाई। और
जिस भाई ने लेनी है भाई अपने हिसाब से, अपने जिस तरह भाई ने किलो में दूध बता दिया अपने हिसाब से लेकर जाए, क्योंकि अपना ना पैसा देना है कोई फरी किसी भाई पर लेनी हो, ये इस भाई ने लेनी हो या किसी और भाई ने लेनी हो, तो काफी बढ़िया सारा का सारा। बच्चा कौन सा इसका? यू कटड़ा है भाई। ओ कटड़ा है भाई। हाँ ठीक है, ले आए बांधे जी। यू अर्जुन कुंगड़ का है भाई साहब। यू टिक्के का है। हाँ अर्जुन कुंगड़ का। यू हाइट देख कटड़ेगी तो पहले 12-13 दिन के बहुत बढ़िया हाइट कटड़ेगी। उसके बच्चे काफी शानदार आते हैं भाई, लमेट के काफी बढ़िया, भारी भी काफी ज्यादा होते हैं। ले आए बांधे भाई भैंस को। तो मुकेश भाई इसका रेट क्या होगा? इसका 2,10,000 रुपये होगा। 2,10,000 रुपये। तो देखें एक बार, तो काफी बढ़िया बनी है भाई। नस देख जो टिप नस देखे के पूरे शरीर पर रमेश भाई, बहुत बढ़िया शरीर, बिल्कुल एक एक नस दिख रही शरीर पर। और देख रमेश भाई देख चमड़ी, ये देख बिल्कुल कोई कटिंग नहीं है रे। ठीक है बात, अति नेचुरल कागज वर्गी चमड़ी बिल्कुल पतली। ठीक है बात, एक एक नस दिख रही शरीर, काफी बढ़िया। इसी हाइट के पशु दूध निकालते हैं भाई, बांध दे तो आप देखें तो काफी शानदार। एक बार कमेंट जरूर करें आपको ये जो टी कैसी लगी। आशा करता हूँ सभी भाइयों को वीडियो पसंद आएगी। आखिर तक वीडियो देखने वाले भाइयों का धन्यवाद।